हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज दिल्ली क्राइम 2 OTT प्लेटफॉर्म पर जल्द दस्तक दे सकती है। इसका सारा कुछ इन तस्वीरों से मिलता है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया की सबसे चर्चित वेब सीरीज दिल्ली क्राइम का सीजन 2 काफ़ी समय से सुर्खियों में है। सीरीज के फैंस इसका आने वाले सीजन का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली क्राइम 2 को लेकर बड़ी खबर सामने आई थी कि नेटफ्लिक्स दिल्ली क्राइम 2 के कुछ सीन्स को लेकर आश्वस्त नहीं था, जिसके चलते इस वेब सीरीज के उन सीन्स को दोबारा से शूट किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स दिल्ली क्राइम सीजन 2 कुछ सीन के लिए दोबारा शूट करने के लिए कहा है। इससे पहले दिल्ली क्राइम 2 की देरी का कारण कोविड-19 की वजह से लगा लॉकडाउन था। इसी बीच दिल्ली क्राइम वेब सीरीज के अभिनेता राजेश तैलंग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिल्ली में घूमते टहलते तस्वीरों पर भी शेयर की है, जिससे फैंस के बीच दिल्ली क्राइम सीजन 2 की चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स दिल्ली क्राइम सीजन 2 के लिए जो भी आउटपुट मिले थे उससे नाखुश था और बार बार सीरीज के कुछ बड़े हिस्सों को फिर से शूट करने के लिए कह रहा था, जिसके चलते इस वेब सीरीज में रिलीज करने में देरी हो रही है। इससे पहले दिल्ली क्राइम 2 की देरी का कारण कोविड-19 की वजह से लगा लॉकडाउन था। बता दें, दिल्ली क्राइम नेटफ्लिक्स की बेहद खास वेब सीरीज में से है, जिसके कारण OTT प्लेटफॉर्म किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता, जिसके चलते नेटफ्लिक्स ने क्रिएटिव निर्माता राजेश मापुसकर और तनु चोपड़ा को सीरीज के सीन्स दोबारा से शूट करने के आदेश दिए। हालांकि नेटफ्लिक्स और निर्माताओं की ओर से आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की घोषणा नहीं हुई है। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम में राजेश तैलंग के साथ सैफाली शाह, रश्मिका दुग्गल, आदिल हुसैन जैसे मजे हुए कलाकार मुख्य भूमिका में थे। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम साल 2016 में हुए निर्भया कांड से प्रेरित थी। इस सीरीज का निर्देशन ऋचा मेहता ने किया है। अगर आपने अभी तक दिल्ली क्राइम वेब सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इंतजार किस बात का, जाकर नेटफ्लिक्स पर देख डालिए। ये सीरीज उसी पे आधारित है जिस निर्भया कांड पे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमसे कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।